नमस्कार, मैं अजीत और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चहेते फार्मिंग चैनल विशाल फार्म में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ग्वाभा फ्रूट्स में आखिर बैगिंग कैसे करें और बैगिंग करने से जो है हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। और चैनल में नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएँ ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। जैसा कि ग्वाभा फ्रूट्स बैगिंग के लिए हमें चार चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि पहला हो गया फोम नेट, लगभग इसका 1.5 रुपया का आसपास जो है प्राइस आता है एक पीस का, आप इसको मंगवा सकते हैं जो कि नज़दीकी जहाँ पर फ्रूट्स का पैकिंग का सामान मिलता है। और साथ ही आपको पॉलीथीन चाहिए, एंटी बग पॉलीथीन ले सकते हैं, नहीं तो पूरा पतला वाला जो दुकान में मिलता है 1 किलो साइज का वाइट कलर का लेना है। और साथ ही न्यूज़पेपर और स्टेपलर, और स्टेपलर लेते वक्त ये देखना है कि इसका थोड़ा गैप बड़ा होना चाहिए, ये आसानी होता है स्टेपलिंग करने के लिए। और जैसा कि पहले हमें पॉलीथीन को क्या करना है, जैसे थोड़ा सा कट कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पर एक कट हो गया, यहाँ पर एक कट हो गया, बीच में एक ऐसे, ये चार कट में यहाँ पर पॉलीथीन को कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर बारिश का पानी होगा तो भी नीचे चला जाएगा या फिर हवा भी अंदर नहीं रहेगा तो फ्रूट जो है अच्छा रहेगा। तो ये गया पॉलीथीन का काम। और पेपर को हमें क्या करना है, देखिए जैसे ये पेपर है, इसको हमें बीच से ऐसे, और इसका एक जो है पेपर ऐसे निकाल देना है बीच का, और उसके बाद जो है हमें इसको ऐसे करके, अभी आपका जो है स्टेपलर ये देखिए ऐसे कर दिए, हम मोड़ दिए और यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे हमें जो है यहाँ पर स्टेपलिंग कर दी, और इसके बाद ये रेडी हो गया हमारा, ये पॉलीथीन रेडी हो गया, फॉर्म रेडी हो गया। चलिए फ्रूट्स में हम कैसे लगाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। और ग्वाभा में फूल आने से लेकर जो कि 1.5 महीने के बाद जो है हमारा नींबू साइज का फल रेडी होता है, तो लगभग 40-45 दिन के बाद जो है हम बैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि ये एक डाली में देख सकते हैं 2 फ्रूट्स है, तो हमें जो है इसको एक को तोड़ देना है और ऊपर वाला तोड़ना है, नीचे वाला का बैगिंग करने से काफ़ी ज़्यादा सुविधा होता है। तो अभी हम सब देखिए, यहाँ पर भी 2 फ्रूट्स हैं, इसको हम तोड़ देंगे, यहाँ पर भी 2 फ्रूट्स हैं, तोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर हम दोनों फ्रूट्स छोड़ेंगे तो जो है ये दोनों मिल के जो है 500-600 ग्राम का फ्रूट्स होगा, और एक को अगर तोड़ रखेंगे तो जो है एक ही फ्रूट्स 500 ग्राम का होगा। तो हमें जो है बैगिंग का खर्चा कम लग जाएगा और ये जो डाली में लोड भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो हमें हर समय देखना है कि डाली में एक ही फ्रूट्स छोड़ना है। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे बैगिंग करना है। ये देखिए जोड़नी हमारे वाला, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है हमें ये फॉर्म ऐसे लगा दिए, और साथ ही अभी हम जो है इसको पॉलीथीन को लगाने वाले हैं। अब जो है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें आगे की तरफ थोड़ा सा फाड़ देना है, और इससे क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है यहाँ पर हम इसको ऐसे पकड़े और यहाँ पर आगे निकाल दिए पॉलीथीन को, और यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा फाड़ दिया था देखिए आगे निकल आया, और यहाँ पर बीच का हिस्सा देखिए यहाँ पर जो फाड़ दिया था यहाँ पर ऐसे हो गया, और यहाँ पर हमें ये करना है, ऐसे करना है, ये हो गया। यहाँ पर अगर आप बारिश हो गया तो भी ये नहीं गिरेगा, हवा चला तो भी नहीं गिरेगा। इसी तरीके से जो है हम बैगिंग को आसानी से हम कर सकते हैं। जैसा कि अभी देख पा रहे हैं हमारे बगीचे में जो है 10-12 जन अभी बैगिंग का काम कर रहे हैं, और बैगिंग का काम ख़त्म होते ही यहाँ से और 1.5-2 महीने के बाद जो है हमारा फ्रूट्स मार्केटिंग के लिए तैयार होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बैगिंग करने से जो है हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जितने भी थाई वेराइटी के ग्वाभा हैं खासकर उसे हमें बैगिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैगिंग नहीं करेंगे तो जो है उसके ऊपर क्या होता है, जैसे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये अटैक करते हैं, और बैगिंग करने से उससे हम बचा सकते हैं, और साथ ही एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको देना नहीं पड़ता। और दूसरा ये हो गया कि आपको एक्चुअल साइज मिलेगा, अगर बैगिंग करेंगे तो ही वो उतना बड़ा साइज होता है, और अगर धूप पड़ेगा उसमें तो उतना बड़ा साइज नहीं होता। और साथ ही तीसरा जो रहता है, ऊपर का कलर काफ़ी अच्छा शाइनिंग रहता है, और खाने में भी काफ़ी अच्छा क्रंची रहता है, मिठास बढ़ जाता है, और साथ ही 10-12 दिन तक वो फ्रूट्स जो है ताज़ा रहता है, अगर बैगिंग वाला फ्रूट्स है तो, अगर खुला वाला फ्रूट्स है तो उतना दिन ताज़ा नहीं रहता, और जिससे कि हमें बैगिंग वाला फ्रूट्स को जो है मार्केट में भी अच्छा प्राइस मिलता है और लोगों को भी काफ़ी अच्छा फ्रेश जो है फ्रूट्स मिल जाता है। तो जैसा कि फॉर्म देना ज़रूरी है, साथ ही पॉलीथीन और पेपर। फॉर्म देने से क्या होता है, जैसे फल का जो आकार है वो राउंड शेप में बन जाता है, क्योंकि फॉर्म फूलते जाएगा फल भी बड़ा होते जाएगा, और पॉलीथीन देंगे तो ऊपर का कलर को ये शाइनिंग बनाएगा, और साथ ही जो पेपर देते हैं
वो धूप से बचाता है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम देंगे, दो ढाई रुपया जो अगर खर्चा करेंगे तो मार्केट में भी अच्छा प्राइस मिलेगा और साथ ही लोगों को भी फ्रेश चीज़ें मिल जाएगा। तो ये तो था आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर दबाइए और साथ ही लाइक का बटन को भी ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।